हेलो दोस्तों, तो हम आए हैं। ये देखो किसान लग रहे हैं यहाँ पर, और इससे बातचीत करेंगे अब हम। ये क्या फसल के बारे में कि फसल थोड़ी बारिश आई है तो क्या माहौल है क्या नहीं। तो किसान भाई, हेलो। तो आप बताइए कि आपके नुकसान होया है या बीमा आया है, तो कैसे थोड़ा मोटा क्या कहना चाहती हो आप इसके बारे में बताओ। जी, ऐसा है कि देखो, नुकसान हुआ भी है और नहीं भी हुआ, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अच्छा। नुकसान इसलिए नहीं कह सकते कि कई कई जगह पे तो बहुत ओले पड़े हैं, बहुत से मतलब नुकसान हो गया, कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ तो मतलब सब कुछ निकलेगा, और अभी तक तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा आती है और ये अभी तक फसल नहीं निकली है हाँ, तो लिकड़ी नहीं है भाई, पड़े हैं सबकी भाई। हाँ, तो ये क्या है कि हो सकता है नुकसान, लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना हम सोच रहे थे। पहले तो क्या हुआ था कि एक बार इसको सर्दी भी लग गई थी सरसों को, सर्दी लग गई रे लेकिन भाई। बाद में पहले तो ये सभी बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या हो गया है कि सभी बोल रहे हैं कि वो पिछली वाली बातें भूल चुके हैं, और अब ये बात याद आ गई है इन लोगों को कि देखो सर्दी तो नहीं लगी इतनी, लेकिन अच्छा अब ये बारिश कर रहा है, रोज बारिश आती है। तो बारिश हाँ का एक ये मैटर सा हो गया है कि रोज आती है, शाम को इसने वो कर लिया है कि हाँ दिल्ली आना है, शाम को आना ही आना है। तो इसमें लॉस तो होता है, लेकिन क्या करें अब। तो सारी सरसम किसी का है? हमारी सरसम जो आने जाने वाले तो बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, और जाडा जुड़ा नहीं मारे क्या आपकी नहीं नहीं सरसम नहीं को? नहीं यहाँ ज्यादा नहीं लगा इसको, लेकिन सभी बोल रहे हैं कि आपकी सरसम एक नंबर की है भाई। अब तो देखो कि 2-3 दिन में, 4-5 दिन में अगर ये सूख जाएगी सारी सरसम, और अभी हमने ये सारी सरसम काट ली है, 3-4 दिन हो गए। सरिका जी, हाँ तो मैं जी, आपका नाम देख पहले से लियो, सारी सरसम काट कर बरोटे बांध दिए हैं हेलो। किसान ने। तो देखो हाँ सरिका तो जी, मैं बताओ। आपका वो आपका नाम पहले से जानता हूँ, आपकी न्यूज मैं रोज देखता हूँ सरिका जी, अच्छा। और मैं लाइक करता हूँ आपको दिल से। नहीं, और ये तो हम तो फसल के बारे में पूछ रहे थे, बस हम अपने बारे में नहीं पूछ रहे आपसे। आप मैं ये हमें जानते हो, अच्छी बात है, क्यों नहीं जानो कराओ हमें, अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा सरिका जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी वीडियो प्रॉपर देखता हूँ, मैं पूरी देखता तो हूँ। भगवान एक बात ही बोला, गेरते तभी के कर सको हो। देखो अगर ओले अगर भगवान डालता है तो मुनाफा मांगने की कोशिश करोगा, फिर आगे जाओगा के देखो करोगा? हम करेंगे, अपील करेंगे सरकार से कि हमें जो भी घाटा हुआ उसका भरपाई करे, ताकि अच्छा। हम किसान हैं, देखो किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता, और सभी क्या करते हैं कि अपने अपने जेबें भरते रहते हैं, और किसानों के बारे में अच्छा कोई नहीं सोचता। तो किसानों के बारे में सोचना चाहिए, और हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए, ताकि ऊपर वाला अगर बारिश ना, फिर आज करता है। तो मौसम बढ़िया कर रखे है भाई, इतने बादल तो हो रहे हैं, फिर इतना नहीं है, खुल जाएगा। किसान भाइयों, टेंशन मत ले हो अरे और ये नहीं, लगे टेंशन रहो। टेंशन वाली बात ये है सरिका जी कि इधर क्या होता है कि अगर जब तक घर में नहीं जाएगा ना अनाज, जब तक किसान का दिल धक 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 दग धक दग धक धक करता करता है, रहेगा भाई, और मेहनत बहुत करता है किसान मेहनत तो खेत आपको में। पता ही है कि कितनी मेहनत करते हैं, रंग है ना ये ब्लैक हो गया है, ब्लैक ब्लैक, और इतनी मेहनत करते हैं। तो आपको तो आप तो चलो आप भाई, मेहनत नहीं करते, आप तो इधर आ जाते हो कैमरा उठा उठा के। बरोटे बांध लियो अब, अब और सरिका कोई जी, नहीं। अगर एक बात आपको मेरी बुरी ना लगे तो मैं बोल दूं, अगर मीडिया में अगर आपको काम करना पड़ जाए तो कैसा महसूस करोगे आप इस। भाई वो तो क्या बताऊं मैं, सुस्त तो बहुत होगा, क्योंकि इसी गांव में काम करना तो कोई। आपको हमारे खेत में आने के लिए बहुत धन्यवाद, आपने इधर आके हमारा हौसला बुलंद किया और हमारी किसानों की आवाज सभी को दिखाई, तो उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। और नहीं, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अब बारिश वारिश नहीं आएगी, और 10-15 दिन से आराम से काटो कणक कणक, और कोई टेंशन मत लेना। जो घाटा घूटा लगेगा तो सरकार से अपील करेंगे हम लोग किसान भाइयों के लिए। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ, और आगे मिलते हैं श्रीका ब्लॉग के साथ, इसलिए धन्यवाद भाइयों। राम राम जी, और सभी देखने वाले को ये और बोलूंगा सुनील कि सरिका भाई, को सपोर्ट किसान की करें। तरफ से सभी किसान भाइयों, क्या कि दोस्तों के सरिका, दोस्तों के कमेंट बहुत आए कल, आपने वीडियो डाली तो दोस्तों को बता दे कि ये वो रियल वीडियो नहीं थी, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमने दिमाग में थॉट आया था, मेरी भाभी जी लगी हुई थी और उसने बोला कि ऐसे करके वीडियो बनाओ, तो हमने वीडियो बना दी। दोस्तों उसमें हमारी गलती लगे आपको, या फिर कोई भाई बोल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो
तो वो तो हमें आपके मनोरंजन के लिए किया था हाँ, और ऐसी और कोई बात नहीं है। उसमें कमेंट आ रहे हैं कि देखो भाई पहले जो लोग देखते थे वो भी चले जाएंगे, और मेरे को भी ऐसा लगा था कि वो वीडियो डिलीट ही कर दूं, लेकिन फिर भी दोस्तों क्या हो गया कि वीडियो डिलीट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुश्किल से तो एक आध वीडियो बनती है, हमसे काम में इतने बिजी रहते हैं और फिर वीडियो बना दी आपके लिए। अगर आपका दिक्कत आ रिएक्शन रही कुछ है। गलत है और आपको अच्छा ना लगे तो उसमें आप कमेंट कर रहे हो तो हमें मतलब पता चल रहा है ना दोस्तों, पता चलेगा भी किस तरीके की वीडियो आपको पसंद आ रही है और हम उसी तरीके की वीडियो बनाएंगे। और कल का क्या था कि जो वीडियो हमने डाली उसमें बारिश भी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो थोड़ा सा बारिश का हम वीडियो नहीं बना सके, और फिर मैंने सोचा कि इतनी ही वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन दोस्तों आज लास्ट दिन है और आज हमने मतलब सारी सरसों को काट दिया है, अब 3-4 दिन में ये सूख जाएगी तो इनको निकालेंगे। और जो भाई ये बोल रहे थे ना हमें समझ में नहीं आ रहे, उनके लिए हिंदी में वीडियो बना रहे हैं स्पेशल, और आज वाली वीडियो सिर्फ हिंदी में ही रहेगी। तो अब करीबन करीबन 10:30 हो चुके हैं, अब पियेंगे चाय, और सरिका देख लो चाय बना ही रही है, अभी 2 फेर उतार के आए हैं और अब फिर 3 फेर और रह गए हैं, तो शाम तक वो हम काट देंगे। भाभी जी आज नहीं आई क्योंकि हमने बोल दिया भाभी जी आज 2 जनों का काम है तो हम खुद 2 जने ही चले जाते हैं। तो सरिका बता दे दोस्तों को कि वो कल वाली वीडियो थी उसमें कुछ ऐसा मतलब रियल नहीं था वो, बता दे। तो रियल नहीं था, हमने बता दिया, हम खुशी खुशी काट रहे हैं, वो तो ऐसे मनोरंजन के लिए बना दिया था। हाँ, तो दोस्तों को लगता है ना कि वो सरिका आपसे बहुत प्यार करते हैं दोस्त, तो उनको लगेगा कि ये तो क्या कर दिया सुनील ने, सरिका इतनी अच्छी है और रियल में ही अच्छी है दोस्तों, ये नहीं है कि ये मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये रियल में अच्छी है और बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसके साथ लड़ाई तो दूर की बात, मारना तो दूर की बात, लड़ाई भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा दिन इसी के साथ खुशियों खुशियों से भरा रहता है, तो लड़ाई की कोई बात नहीं थी दोस्तों। आपको वो वीडियो मतलब भी अगर दिमाग में थॉट आ गया था भी भाभी जी के कि ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी रियल हो जाता है, कभी कभी ऐसे कि लड़ाई हो जाती है, और वो खेत में क्या होता है बिलो द बेल्ट, आदमी क्या करता है गुस्से में आदमी से गलती हो जाए याद, फिर को खेत में टाइम नहीं होता ना, तो हमें तो टाइम है वीडियो के लिए, तो हम तो वीडियो बना रहे हैं, तो किसी किसी के पास वीडियो के लिए टाइम नहीं होता, वो क्या करता है कि वो गुस्से में आगे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और 2-3 दिन चलते रहते हैं, तो उसका क्या है, वो रिएक्शन हमने देखा भी है लाइफ में, आपने भी देखा होगा कि कैसा कैसा रिएक्शन आता है, और ये नहीं होता कि घर में लड़ाई नहीं होती, भी हो जाती है लेकिन हमारी ऐसी कभी लड़ाई नहीं हुई है, हम तो बस स्पेशल थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं बस 1-2 घंटा और फिर बस, कल वाली कोई लड़ाई नहीं थी तो आप उसको दिल पे मत लेना और हमारी और वीडियो को। मौसम हाँ कैसा है ये बताना, हमारे तो यहाँ पर आज तो थोड़ा है डंका खुल रहा आज है। तो थोड़ा गर्मी आई हुई है दोस्तों, तो अब हम पी लेते चाय और सारे दिन का लेखा जोखा हम आपको बताते रहेंगे, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा जो पीछे बनाए रख रहे थे, तो बने रहिएगा हमारे साथ।